हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे सामने आने के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर बनी बायोपिक रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है, साथ ही इस फिल्म को लेकर दर्शकों ने भी शानदार रिएक्शन दिया है। वहीं अब लीजिए बॉलीवुड स्टार्स की तरफ से भी विवेक ओबरॉय की इस फिल्म को ट्विटर पर थम्स अप मिला है। तो चलिए इंतजार किस बात का, दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट। My bestest wishes to my dear friend Vivek Oberoi, Umang Kumar, Sandeep Singh and the entire cast and crew of PM Narendra Modi. Wishing them all the luck for this magnum opus. I'm sure it is here to break all records. Go watch it in cinemas this Friday. Dear Vivek Oberoi, your film PM Narendra Modi releases today. Wishing you stupendous success at the box office. Strong, simple, unapologetic. PM Narendra Modi by Vivek Oberoi is robust. Undeterred yet restrained. Umang Kumar excels in bringing out a story of common man who is loved by all across the nation. Narendra Modi ji fans will swell with pride and 56-inch Casino. Last night watched PM Narendra Modi film and it is very inspirational, just like our Honorable Narendra Modi ji. Would like to wish Sandeep Singh and team all the best for the film release and Modi ji for another 5 years to create magic and make India proud globally. I loved watching PM Narendra Modi. It is an inspirational film and will surely touch a million hearts. Best wishes to Sandeep Singh, Vivek Oberoi, Umang Kumar, Anand Pandit and the entire team. तो देखा आपने, बॉलीवुड स्टार्स को पीएम मोदी की बायोपिक काफी पसंद आ रही है। बता दें कि इस फिल्म में पीएम मोदी का किरदार विवेक ओबरॉय ने निभाया है। उमंग कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार टाली गई थी। फिल्म में विवेक के साथ दर्शन कुमार, मनोज जोशी और बोमन ईरानी जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि विवेक की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। वैसे अगर आपने अभी तक पीएम मोदी की बायोपिक नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। इंतज़ार सुखद था। आज के रिजल्ट के बाद में हमको लगता है कि देश में एक उत्सव का माहौल है। वैसा ही एज अ बीइंग ए प्रोड्यूसर हमको भी लग रहा है कि हम भी ये सेलिब्रेशन का पार्ट है और ये फिल्म भी एक सेलिब्रेशन का पार्ट है। मेरे ख्याल से देश को जो डिजर्व करते थे वही वापस आए हैं और देश का नसीब अच्छा है। और मैं सबको, सबसे पहले तो देश को बधाई देता हूँ कि मोदी जी वापस आए हैं। और फिल्म के जरिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा भी कन्विक्शन यही था कि मोदी जी की स्टोरी हर एक के पास में जानी चाहिए, ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है और वो सब्जेक्ट अभी उन्होंने माफ़ी मांग ली है और वो सब्जेक्ट अभी ख़त्म हो गया है और फिल्म के साथ में उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इसमें नहीं, हमने कोई ऐसा कोई सपोर्ट मांगा नहीं था। नरेंद्र मोदी ने आज तक किसी का सपोर्ट नहीं मांगा है तो उसकी फिल्म क्यों सपोर्ट मांगी थी। तो हम हमारी स्ट्रेंथ पे चले हैं, हमको किसी के सपोर्ट की ऐसी ज़रूरत नहीं है। जो साथ में आए वो साथ में जुड़ता जाए। आई एम सॉरी, किससे? नहीं, ऐसा कोई अभी तो प्लान नहीं है। देखो, उनके बारे में है और उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी हम लोगों को देना चाहते हैं, तो वो देखें ना देखें, लेकिन हमको लोगों को दिखाना है। थैंक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा है। मैं तो इसका अल्फाज में बयान नहीं कर सकता और मतलब बहुत लंबे वक्त से इसका पिक्चर का इंतज़ार था मेरे को
द टाइम इज कम नाउ एंड ऑल बस एक्साइटमेंट मेरी मतलब अनलिमिटेड है. इवेंचुअली फाइनली पिक्चर आज रिलीज हो रही है. मेरी खुशी का मतलब कोई एहसास नहीं है मुझे. जी आप थोड़ा तेज बोलेंगे समझ जाओ. देखिए इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन ये है कि नम की फाइनली पिक्चर रिलीज हो रही है, अच्छे वक्त पर रिलीज हो रही है और आज ऐसे मौके पर जब हर तरफ जीत का माहौल है तो बहुत अच्छा लग रहा है. सो मैं कैरेक्टर का नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो. जो कहते हैं ना ये चाय वाला देश का पीएम कभी नहीं बनेगा, वो कैरेक्टर मैंने निभाया है. I think I'm not here for that and that's his personal thing completely. और सी आई हैव नो आइडिया. मैंने इतना कुछ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व मैंने देखा नहीं था बट आई थिंक जो लोग बोल रहे हैं मैं डेफिनेटली एक चीज़ समझती हूँ. हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है हर चीज़ के लिए. मैंने वो चीज़ देखी थी बट फॉर मी इट्स नॉट अबाउट ही नेवर कॉमेंटेड ऑन एनी वुमेन. दिस इज़ व्हाट आई कैन से. ही वॉज इट वॉज जस्ट यू नो एक चीज़ थी जिन पर उन्होंने कॉमेंट कर दी. ऐसे मिसअंडरस्टूड होते हैं लोग. मैं भी एग्जैक्टली मैं भी ऐसे बहुत मिसअंडरस्टूड हुई हूँ. सो दैट्स ओके. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. हाँ आई वॉन्ट से कि आई थिंक विवेक हैज़ ऑलवेज बीन मिसअंडरस्टूड कम्प्लीटली एंड द रिप्लाई विच ही डिड ऑन दैट मीम वॉज नॉट क्रिएटेड बाई हिम. द मीम वॉज क्रिएटेड बाई समबडी एल्स एंड इट वॉज कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड बट आई थिंक ही इज अगेन कम आउट एंड डिलीटेड इट एंड गिवन हिज ब्रीफ अगेन ऑन द ट्विटर एंड ऑल्सो आंसर्ड एवरीथिंग. सो आई डोंट थिंक नाउ एट दिस ऑन दिस ओकेजन वी शुड ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन. सो वी शुड लेट इट बी देयर. मैं नुकसान और फ़ायदे के लिए फिल्म नहीं बनाता हूँ. मैं सिर्फ ये सोच के बनाता हूँ कि ये फिल्म बने, कोई भी फिल्म बने उसको इंस्पायर हो, चाहे वो अलीगढ़ में हो, चाहे सरबजीत में हो, या मैरी कॉम में हो, या भूमि में हो, या ये फिल्म में हो. आई थिंक एवरी थिंग शुड बी फॉर द इंस्पिरेशन एंड फॉर द ऑडियंस. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू गाइस. The film is going to be as successful as Modi's victory today. I think it's a great day for all of us and the film is releasing at the right time. And let me tell you very honestly and very with full heart of mine that Anand Pandit standing beside me, who's the producer of the film, is as lucky as anybody else. His all his films have been success and similarly this film on Narendra Modi ji is also going to rock at the box office. It has been really made very well with a lot of hard work by his director, by Vivek and the entire team of Narendra Modi ji. The days have come again. Modi ji has won the elections with a massive landslide victory and I'm sure the film also will be as a big box office hit the way we have won the elections today. Thank you. Thank you. हाँ सर, सबसे पहले तो मुबारक हो कि आज इट्स अ वेरी बिग डे कि आज हम ये फिल्म देख रहे हैं. नरेंद्र मोदी और मोदी जी ने बता दिया कि क्या ताकत है उनमें. सो आई विश एवरी वन ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू मोदी जी एंड ऑल द बेस्ट टू विवेक. विवेक इज़ अ क्लोज फ्रेंड. सुरेश ओबरॉय इज वन ईयर जूनियर टू मी फ्रॉम द फिल्म इंस्टीट्यूट एंड ही इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स. सो आई विश सुरेश ऑल द बेस्ट एंड विवेक इज़ अमेजिंग एक्टर. आई एम श्योर ही विल बी अमेजिंग एंड ही इज़ गोना सरप्राइज एवरी वन विद हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एज Mr. Narendra Modi. I wish everyone all the best.
सर उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो अभी बॉम्बे में आया हूँ, बट आई नो विवेक इज़ अ लवली बॉय, अमेजिंग फैमिली, एंड आई नो द फैमिली बिफोर विवेक वॉज बॉर्न, बिकॉज सुरेश ओबेरॉय वॉज वन ईयर जूनियर टू मी, सो आई नो द फैमिली इज़ ग्रेट, दे वोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, एंड विवेक इज़ अ वेरी डिसेंट मैन, ही इज़ प्रॉब्ली स्टडीड इन अमेरिकन स्कूल्स कॉलेज, सो ही वोंट डू एनीथिंग विच इज गोना हर्ट पीपल, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट, रेस्ट मुझे कुछ मालूम नहीं, बट आई एम हियर टू टेल पीपल दैट हाउ ग्रेट एन एक्टर विवेक इज, एंड आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू. हाँ अरे सर मैं कहाँ राजनीति ज्वाइन करूँगा सर, हाँ हो सकता है मेरी धर्मपत्नी जो मोदी जी की बहुत बड़ी फैन है वो अभी गोवा में वो पार्टी कर रही है क्योंकि मोदी जी जीते हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं वो पॉलिटिशियन ना बन जाए, क्योंकि स्मृति ने जो हालत की है, स्मृति ईरानी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर बिकॉज आई नो हर सो वेल, जो उसने किया है दैट इज़ द बिगेस्ट हिस्ट्री टुडे, बहुत बड़ी हिस्ट्री है. थैंक यू, थैंक यू.